Hello everyone, welcome to your own channel Career Ladder. Today we are going to start the fifth chapter of Movements class 9 in the supplementary book, and the chapter is named as The Happy Prince and its writer is Oscar Wilde. This is a moral story. Okay, its a moral is that humans should do good and help those in need. तो इसमें दो कैरेक्टर्स हैं, एक प्रिंस जिसको कहा गया है हैप्पी प्रिंस और एक बर्ड है लिटिल स्वेलो बर्ड. ठीक है, तो दोनों ही क्या करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं जो परेशान होते हैं, जो सफरिंग में होते हैं, और इस प्रोसेस में दोनों ही अपनी लाइफ को लूज कर देते हैं, दोनों की लाइफ खत्म हो जाती है. तो उनको इस बात का फल मिलता है, उनको आफ्टर लाइफ उनको रिवॉर्ड दिया जाता है बाई गॉड. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनीथिंग. द हैप्पी प्रिंस वॉज ए ब्यूटिफुल स्टैचू. हैप्पी प्रिंस जो था एक्चुअली में एक ब्यूटिफुल स्टैचू थी. ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड, ही हैड सफायर फॉर आईज एंड ए रूबी इन हिज सोल. वह जो स्टैचू थी पूरी गोल्ड से कवर्ड थी, उसकी आईज में सफायर्स लगे हुए थे. सफायर से ब्राइट ब्लू प्रीशियस स्टोन होता है, और उसकी जो सोर्ड यानी तलवार थी उसमें एक रूबी लगा हुआ था. रूबी भी डीप रेड प्रीशियस स्टोन. व्हाई डिड ही वांट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रीशियस स्टोन. तो वो अपने जो पूरा गोल्ड था, उसका जो पूरा गोल्ड कवर्ड था और उसके पास ये जो प्रीशियस स्टोन थे, इससे वो अलग होना चाहता था. तो ऐसा क्यों, तो देखते हैं. हाई अबव द सिटी ऑन ए टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. सिटी के बहुत ऊपर एक टॉल कॉलम पर, टॉल कॉलम टॉल वर्टिकल सिलेंडर स्ट्रक्चर, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर यूज टू सपोर्ट ए स्ट्रक्चर. आप पिलर कह सकते हैं, एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी बिल्डिंग को या किसी भी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए यूज की जाती है. तो एक टॉल कॉलम पर शहर में बहुत ऊपर एक स्टैचू लगी हुई थी हैप्पी प्रिंस की. ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड. गिल्डेड मीन्स कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ गोल्ड. वह पूरी जो स्टैचू थी, जो हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू थी, वो थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड से कवर्ड थी ऑल ओवर. फॉर आईज ही हैड टू ब्राइट सफायर्स, उसकी आंखों में दो ब्राइट सफायर्स लगे हुए थे. एंड ए लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज सोर्ड हिल्ट. सोर्ड हिल्ट यानी हैंडल ऑफ हिज सोर्ड. ठीक है, और उसके जो सोर्ड का जो हैंडल था उसमें एक लार्ज रेड रूबी लगा हुआ था जो शाइन करता था, ग्लो करता था. One night there flew over the city a little swallow. Little swallow एक टिनी बर्ड है, like this. तो एक रात उस शहर के ऊपर से एक little swallow उड़कर गई. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before. और इस little swallow के जो friends थे वो 6 weeks before, 6 weeks पहले ही Egypt चले गए थे. But he had stayed behind. लेकिन ये जो little swallow है ये पीछे ही रह गया, यानी ये Egypt नहीं जा पाया. Then he decided to go to Egypt too. अब तब इसने भी इजिप्ट जाने का डिसाइड कर लिया. ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी. पूरे दिन ये लिटिल स्वेलो उड़ता रहा और रात को ये शहर में आया. वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड. इसने कहा कि मैं कहाँ रुकूं, यानी मैं कहाँ अपना स्टे करूं. आई होप द टाउन हैज मेड प्रिपरेशंस. मुझे लगता है कि टाउन ने प्रिपरेशंस की हैं. देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम. फिर इसने क्या देखा, टॉल कॉलम पर वो प्रिंस की स्टैचू को देखा. आई विल पुट अप देयर, ही क्राइड. वह कहता है कि मैं यहीं स्टे करूंगा. इट इज ए फाइन पोजीशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर. ये मेरे स्टे करने के लिए, मेरे रेस्ट करने के लिए अच्छी पोजीशन है जहां पर प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, यानी फ्रेश एयर अच्छी खासी मिल रही है. सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. अलाइटेड मीन्स टू गेट डाउन और कम टू रेस्ट. फिर ये हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के जो फीट के बीच में इसने अपना स्टे करने के लिए नीचे उतर गया. आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड. वह सॉफ्टली अपने आप से कहता है, अपने आप से ही बातें करते हुए कहता है, चारों तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे तो एक गोल्डन बेडरूम मिल गया. एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और उसने सोने की तैयारी वो करने लगा. But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. लेकिन जैसे ही वो सोने की तैयारी कर रहा था, यानी अपने हेड को अपने विंग्स के नीचे छिपा रहा था, रख रहा था, एक बड़ी सी ड्रॉप पानी की उसके ऊपर आकर गिरी. What a curious thing, he cried. वो जोर से कहता है, what a curious thing. Curious यानी unusual या strange. ये क्या अजीब सी चीज थी. There is not a single cloud in the sky. आकाश में एक भी बादल नहीं है.
स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट ब्राइट स्टार्स जो है बिल्कुल क्लियर है, शाइन कर रहे हैं, ब्राइट है, एंड येट इट इज रेनिंग, और फिर भी बारिश हो रही है. देन अनदर ड्रॉप फेल, तभी दूसरी ड्रॉप गिरती है. व्हाट इज द यूज ऑफ ए स्टैचू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड. वो कहता है क्या यूज है इस स्टैचू का अगर ये बारिश को भी नहीं रोक सकती. आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे. तो वो कहता है कि मुझे जो है एक अच्छा सा चिमनी पॉट ढूंढना चाहिए अपने रेस्ट करने के लिए, अपने स्टे करने के लिए, और वो उड़ने की तैयारी करने लगता है. बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स ए थर्ड ड्रॉप फेल. लेकिन जैसे ही वो अपने पंख खोलता उड़ने के लिए, इससे पहले ही तीसरी बूंद उसके ऊपर आकर गिरी. ही लुक्ड, उसने ऊपर देखा, एंड सो व्हाट डिड ही सी, और उसने देखा, ओह उसने क्या देखा, द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स. उसने देखा जो हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू थी उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी. एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, और जो आंसू है आंखों से निकलकर उसके गोल्डन चीक्स की तरफ पर बह रहे थे. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. उस golden statue जो थी, जो happy prince जो था, उसका face इतना beautiful लग रहा था moonlight में कि little swallow जो है pity यानी दया से भर गया, compassion से भर गया. He said, "Who are you?" तो वो statue से पूछता है swallow, "Who are you?" तुम कौन हो? तो statue reply करती है, "I am the happy prince." मैं happy prince हूँ. Why are you weeping then? Ask the swallow. Swallow पूछता है कि तो तुम रो क्यों रहे हो? You have quite drenched me. Drenched means to make someone extremely wet. तुमने तो मुझे पूरा भिगो दिया. When I was alive and had a human heart, answered the statue. तो statue answer करती है कि जब मैं alive था, जब मैं जीवित था और मेरे पास एक human heart था, I didn't know what tears were. मुझे ये नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं. For I lived in the palace, क्योंकि मैं एक पैलेस में रहता था. पैलेस यानी ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ ए किंग और क्वीन, यानी मैं एक महल में रहता था. वेयर सोरो इज नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पे दुख को, जो सोरो है, यहाँ पे सफरिंग है, उनको एंटर करने की अलाउड, एंटर करना अलाउड ही नहीं था, परमिशन ही नहीं थी, यानी जो दुख है वो उस महल के अंदर आता ही नहीं था. माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, अनहैप्पी इंडीड आई वाज. Courtiers यानी ए पर्सन हु अटेंड्स ए रॉयल कोर्ट एज ए एडवाइजर टू द किंग और क्वीन. और मेरे दरबारी मुझे कहा करते थे हैप्पी प्रिंस, और इंडीड वास्तव में मैं हैप्पी भी था. सो आई लिव्ड सो आई डाइड, ऐसे ही मैंने अपनी लाइफ को जिया और ऐसे ही मैं मर गया. एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई. अब चूंकि जब मैं मर चुका हूं तो उन्होंने मुझे यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर सेटअप कर दिया है, स्टैचू के रूप में सेटअप कर दिया है, दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माय सिटी. अगलीनेस यानी स्टेट ऑफ बीइंग अगली, यानी जो चीज ब्यूटीफुल ना हो, एंड मिजरी यानी अनहैप्पीनेस और सफरिंग यानी दुख परेशानियां. तो उन्होंने मुझे यहाँ इतनी ऊंचाई पर सेटअप कर दिया है, इतनी ऊंचाई पर सेट कर दिया है कि मैं अपने शहर की पूरी अगलीनेस यानी जो नॉट ब्यूटीफुल होने की जो कंडीशन है वो, एंड मिजरी यानी पूरे शहर के दुख परेशानियां मैं यहाँ से देख सकता हूँ. एंड दो माय हार्ट इज मेड ऑफ लेड येट आई कैन नॉट चूज बट वीप. अब चूंकि मेरा जो हार्ट है वो ह्यूमन हार्ट नहीं है, लेड का बना हुआ है, इसलिए मैं कुछ और नहीं कर सकता, केवल रोता ही रहता हूँ, यानी रोने के अलावा मैं कुछ और नहीं कर सकता. वॉट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, सेड द स्वालो टू हिमसेल्फ. स्वालो अपने आप से ही बातें करते हुए कहता है क्या ये सॉलिड गोल्ड नहीं है. He was too polite to make any personal remark. अब स्वेलो इतना पोलाइट था कि उसने कोई भी पर्सनल रिमार्क नहीं किया, यानी जोर से नहीं बोला, अपने अपने आप से ही बातें करते हुए उसने कहा क्या ये सॉलिड गोल्ड नहीं है. Far away, continued the statue in a low musical voice. Far away in a little street there is a poor house. तो स्टैचू जो है बोलती रहती है, कंटिन्यू करती है लो वॉइस में, म्यूजिकल वॉइस में, फार अवे, फार अवे इन लिटिल स्ट्रीट देयर इज अ पुअर हाउस, कि कहीं दूर एक छोटी सी गली में एक पुअर हाउस है, गरीब घर है. आउट ऑफ द विंडोज इज ओपन, सॉरी, वन ऑफ द विंडोज इज ओपन एंड थ्रू इट आई कैन सी ए विमेन सीटेड एट ए टेबल. ठीक है, उसकी विंडोज में, उस घर की विंडोज में से एक विंडो ओपन है, खुली हुई है, और इससे होकर मैं एक वुमेन को देख सकता हूँ जो एक टेबल पर बैठी हुई है. हर फेस इज थिन एंड वॉर्न,
वॉन यानी वेरी टायर्ड और डल, उसका फेस बहुत थिन है और बहुत वो थकी हुई लग रही है, उसका फेस बहुत डल लग रहा है. एंड शी हैज कोर्स रेड हैंड्स ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल फॉर शी इज ए सीम स्ट्रेस. कोर्स यानी रफ यानी नॉट स्मूथ एंड प्रिक्ड पियर्स स्लाइटली विद ए नीडल. एंड सीम स्ट्रेस कहते हैं वो मैन हु मेक्स ए लिविंग बाय सीविंग, यानी जो सिलाई का काम करती है. ठीक, तो वो कहता है स्टैचू जो कहती है कि वो उसका फेस बहुत थिन है, पतला है और बहुत डल लग रहा है. उसके जो है हाथ हैं वो बहुत रफ हैं, रेड कलर के हो रहे हैं, ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल. सारी जो उसकी फिंगर्स हैं या जो हैंड्स हैं वो नीडल से पियर्स हुई हुई हैं, पियर्स हो रहे हो है. एंड फॉर शी इज ए सीम स्ट्रेस, क्योंकि वो एक सीम स्ट्रेस है, यानी सिलाई करके, सिलाई कपड़े सिलके या सिलाई का काम करके अपनी लिविंग्स को बनाती है. She is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queens maid of honor. Embroidering यानी decorating, ठीक है, यानी जो आप सुई धागे से आप कोई भी पैटर्न बनाते हैं कलरफुल, तो उसको एम्ब्रॉयडरी कहते हैं. एंड साटिन, साटिन एक फैब्रिक होता है यूजली मेड ऑफ सिल्क. एंड मेड ऑफ ऑनर मीन अनमेरिड वुमेन अटेंडिंग ए क्वीन और प्रिंसेस. तो वो कहता है, अब जो स्वेलो है उसको बताती है स्ट्रेचू कि वो जो सीम स्ट्रेस है एक साटिन के गाउन पर फ्लावर्स जो है डेकोरेट कर रही है, और वो किसके लिए, क्वींस की मेड ऑफ ऑनर के लिए, उसकी क्वीन की जो सबसे प्यारी जो मेड ऑफ ऑनर है उसके लिए वो साटिन गाउन पर एम्ब्रॉयडरी कर रही है. टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, कोर्ट बॉल इज ए डांस पार्टी ऑर्गेनाइज एट ए किंग्स कोर्ट, ताकि वो जो है अगले कोर्ट बॉल पर इसको पहन सके. In a bed, in the corner of the room, her little boy is lying ill. Corner में, room के corner में एक bed पर उसका जो छोटा बेटा है, जो छोटा सा बच्चा है, वो बीमार लेटा हुआ है. He has a fever, उसको बुखार है, fever है, and is asking his mother to give him oranges. और अपनी mother से कह रहा है कि उसको oranges चाहिए. His mother has nothing to give him but river water. और उसकी मदर के पास उसको देने के लिए कुछ नहीं है केवल रिवर वाटर के अलावा. सो ही इज क्राइंग, इसलिए वो रो रहा है. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट. तो जो स्टैचू है वो स्वेलो से कहती है, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, क्या तुम मेरी स्वॉर्ड की हिल्ट में जो रूबी लगा हुआ है उसको देकर नहीं आ सकते. माई फीट आर फास्टन्ड टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव. पेडेस्टल यानी बेस ऑन विच ए कॉलम या स्टैचू स्टैंड. तो मेरे जो पैर हैं वो इस पेडेस्टल से बंधे हुए हैं और मैं हिल नहीं सकता. आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वेलो. तो स्वेलो कहता है कि मेरा तो इजिप्ट में वेट किया जा रहा है क्योंकि इसको तो इजिप्ट जाना था. माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर. तो वो कहता है कि मेरे फ्रेंड्स जो है नाइल, नाइल इज अ रिवर, तो रिवर के ऊपर, नाइल रिवर जो है ऊपर नीचे उड़ रहे हैं और जो बड़े बड़े लोटस फ्लावर्स हैं उनसे बातें कर रहे हैं. सून दे विल गो टू स्लीप, जल्दी ही वो सोने के लिए चले जाएंगे. द प्रिंस आस्क द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर. तो जो प्रिंस है वो स्वेलो से कहता है कि उसके साथ जो है, जो स्वेलो है उसके साथ एक रात रुक जाए एंड उसका मैसेंजर बन जाए. द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड ही सैड. तो प्रिंस कहता है स्वेलो से कि जो बच्चा है वो बहुत प्यासा है और जो उसकी मदर है वो बहुत दुखी है. आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, आंसर्ड द स्वेलो. तो स्वेलो आंसर देता है कि मुझे नहीं लगता, मतलब मुझे बच्चे पसंद नहीं है. आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं तो इजिप्ट जाना चाहता हूँ. बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वाज सॉरी. लेकिन हैप्पी प्रिंस इतना दुखी दिखाई दे रहा था, इतना सैड दिखाई दे रहा था कि लिटिल स्वेलो को भी दुख होने लगा. It is very cold here, he said. तो स्वेलो कहता है कि यहाँ तो बहुत ठंड है. But he agreed to stay with him for one night and be his messenger. लेकिन जो स्वेलो है वो प्रिंस के साथ एक रात के लिए स्टे करने के लिए एग्री हो जाता है और उसका मैसेंजर बन जाता है. थैंक यू लिटिल स्वेलो, said the prince. तो प्रिंस जो है स्वेलो को थैंक यू कहता है. द स्वेलो पिक आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड. जो स्वेलो है प्रिंस की स्वॉर्ड में से जो रूबी लगा हुआ था उसको बाहर निकाल लेता है. एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन. और उसको अपनी बीक में, अपनी चोंच में लेकर टाउन की छतों के ऊपर से, यानी टाउन के स्काई में से होकर या छतों के ऊपर से कह सकते हैं, उड़ गया. ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर वेयर द व्हाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड.
कैथेड्रल एक लार्ज चर्च बिल्ट इन द शेप ऑफ ए लॉन्ग क्रॉस विद ए सेंट्रल टावर। तो कैथेड्रल एक लार्ज चर्च है, एंजल्स मैसेंजर ऑफ गॉड एंड स्कल्पचर्ड कट इन टू ए डिजायर्ड शेप। तो वे कैथेड्रल टावर के पास से होकर गुजरता है स्वेलो, जहां पर व्हाइट मार्बल के जो एंजल्स हैं वो स्कल्पचर हुए हुए हैं, यानी उन जो एंजल्स की जो डिजाइन है वो व्हाइट मार्बल की वो बनी हुई है कैथेड्रल टावर पर। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हियर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग। वो पैलेस से यानी महल के पास से होकर गुजरता है और उसको डांसिंग की साउंड यानी डांस की आवाज सुनाई देती है। ए ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर। तो वहां पे एक सुंदर सी एक लड़की अपनी एक बालकनी पर अपनी बालकनी पर अपने लवर के साथ बाहर आती है। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल शी सेड। स्टेट बॉल फॉर्मल डांस या रॉयल सेलिब्रेशन। तो वो लड़की अपने लवर से कहती है कि मुझे उम्मीद है कि जो मेरी ड्रेस है वो स्टेट बॉल के लिए टाइम पर तैयार हो जाएगी। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट। मैंने ऑर्डर दिया है अपने गाउन पर या अपनी ड्रेस पर एम्ब्रॉयडरी करवाने के लिए। क्या एम्ब्रॉयडरी करवाने के लिए? फ्लावर्स एम्ब्रॉयडरी करवाने के लिए ऑर्डर दिया हुआ है। बट द सी मिस्ट्रेसेस आर सो लेजी। लेकिन जो सी मिस्ट्रेसेस होती है ना ये बहुत लेजी होती है। He passed over the river and saw the lanterns hanging on the masts of the ship. Mast yani tall upright post on a ship. तो वह नदी के ऊपर से होकर गुजरता है स्वेलो और वहां देखता है कि शिप की मास्ट जो है वहां से लैंटर्न यानी जो लालटेन है वो लटकी हुई है। At last he came to the poor woman's house and looked in. Last में वह poor woman's के घर पर आता है और अंदर देखता है। The boy was tossing feverishly on his bed and the mother had fallen asleep. She was so tired. Tossing feverishly यानी restless and suffering from fever. तो जो बच्चा है वो अपने बेड पर feverishly क्योंकि इसकी बॉडी उसको फीवर था तो वो tossing यानी वो उसको थोड़ी restless feel कर रहा था फीवर होने की वजह से और जो उसकी मदर है वो सो गई थी। She was so tired. वो बहुत थकी हुई थी। In he hoped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. Hopped यानी to jump on one leg and thimble a metal or plastic cap worn to protect the finger like while swing. यानी एक metal की या plastic की cap होती है जब सिलाई का काम करते हैं तो इसको fingers पर पहन लिया जाता है ताकि needle जो है finger में ना चुभे। ठीक है तो वो जैसे ही वो अंदर जाता है hop करते हुए जो swallow है और उसने क्या किया great ruby जो उसके हाथ में जो चोंच में था उसको table पर रख दिया उस woman के thimble के पास में। Then he flew gently round the bed. तब उसने उस क्या किया बेड के चारों तरफ आराम से धीरे से उड़ा। Fanning the boy's forehead with his fingers. Fanning यानी to make air blow on someone. ठीक है और जो forehead यानी जो बच्चे का जो माथा था उस पर जो है अपने विंग से उसने हवा करते हुए बेड के चारों तरफ एक चक्कर लगा। How cool I feel, said the boy. तो बच्चा कहता है कितना ठंडा लग रहा है कितना कूल मुझे लग रहा है। I must be getting better, मैं अच्छा हो जाऊंगा। And he sank into a delicious slumber. Slumber means to sleep lightly. और जो बच्चा जो है स्वीट सी डिलीशियस सी नींद में सो जाता है। Then the swallow flew back to the happy prince. अब जो है स्वेलो वापस उड़ के आता है happy prince के पास and told him what he had done. और प्रिंस को बताता है जो भी कुछ उसने किया। It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. तो जो स्वेलो है वो कहता है it is curious, बहुत अच्छा था लेकिन मुझे इस समय गर्मी लग रही है बल्कि इस समय तो हालांकि इस समय बहुत ठंड है। That is because you have done a good action, said the prince. तो प्रिंस कहता है तुम्हें गर्मी इसलिए लग रही है क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है। And the little swallow began to think and then fell asleep. अब little swallow जो है कुछ सोचने लगता है और सो जाता है। Thinking always made him sleepy. जब भी वो सोचता है swallow हमेशा सो जाता है उसे नींद आ जाती है। When day broke, he flew down to the river and he had a bath. अब दिन निकलता है तो जो स्वेलो है वो नदी तक जाता है उड़ के और बाथ और एक नहा कर आता है। Tonight I go to Egypt, said the swallow. तो स्वेलो कहता है कि मैं आज रात इजिप्ट चला जाऊंगा। And he was in high spirits at the prospect. High spirits यानी extremely happy and cheerful. और ये सोचकर वो बड़ा ही खुश था। He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple. Steeple a tall pointed structure on top of the tower of a church.
यानी चर्च के टावर के टॉप पर एक टॉल पॉइंटेड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्टीपल। तो उसने पूरे शहर के सारे मोनूमेंट देखे और चर्च के स्टीपल पर बैठकर एक लंबा समय बिताया, यानी काफी देर के लिए चर्च के स्टीपल पर जाकर रेस्ट किया। When the moon rose, he flew back to the happy prince. जब चांद निकला यानी जब रात होने लगी तो हैप्पी प्रिंस के पास उड़कर वापस आया। Have you any commissions for Egypt? He cried. Commissions to ask someone to do a special piece of work. तो वो कहता है, क्या तुमने इजिप्ट में कुछ काम करने के लिए किसी को कह रखा है? ठीक है, यानी आपका कोई काम है इजिप्ट में? I am just starting. मैं तो बस निकलने वाला हूँ। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you stay with me one night longer? तो प्रिंस कहता है, swallow, swallow, क्या तुम मेरे साथ एक रात और रुकोगे? I am waited for in Egypt, answered the swallow. लेकिन swallow आंसर देता है, मेरा तो इजिप्ट में वेट किया जा रहा। swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far away across the city, I see a young man in the garret. Garret यानी small dark room at the top of the house. तो प्रिंस कहता है स्वेलो से कि शहर में बहुत दूर मुझे एक यंग मैन दिखाई दे रहा है गैरेट में, यानी अपने घर की छत पर एक डार्क रूम में मुझे एक यंग मैन दिखाई दे रहा है। ही इज लीनिंग ओवर ए डेस्क कवर्ड विद पेपर्स। वो एक डेस्क पर झुका हुआ है जो डेस्क पेपर से कवर्ड है। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज ए बंच ऑफ विदर्ड वॉयलेट्स। विदर्ड यानी ड्राइड एंड वॉयलेट्स पर्पल फ्लावर। तो ठीक है, वो कहता है उसके साइड में एक ग्लास रखा हुआ है जिसमें मुझे एक सूखे हुए वॉयलेट कलर के या पर्पल कलर के फ्लावर्स का एक बंच दिखाई दे रहा है। हर हेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्प, क्रिस्प यानी प्रेजेंटली हार्ड एंड ड्राई। उसके जो बाल हैं बिल्कुल ब्राउन कलर के हैं और हार्ड हो चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड एज ए पोमग्रेनेट, और उसके लिप्स जो है रेड है अनार की तरह से। एंड ही हैज लार्ज एंड ड्रीमी आईज, उसकी जो आंखें हैं वो बड़ी बड़ी हैं, ड्रीमी हैं। ड्रीमी का मतलब है उसकी आंखों में किसी काम को करने के कुछ सपने हैं, इसलिए उसकी आंखों को ड्रीमी आईज कहा गया है। He is trying to finish a play for the director of the theater. वो लड़का जो है, मतलब जो प्रिंस है, वो स्वेलो को बताता है कि जो यंग मैन है वो एक प्ले को फिनिश करने की कोशिश कर रहा है थिएटर के डायरेक्टर के लिए। बट ही इज टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन इतनी ज्यादा ठंड है कि वो और ज्यादा कुछ लिख नहीं पा रहा। देयर इज नो फायर इन द ग्रेट एंड हंगर हैज मेड हिम फेंट। ग्रेट यानी द मेटल फ्रेम दैट होल्ड्स द वुड कोल एटसेट्रा इन ए फायर प्लेस, यानी रूम्स में जो फायर प्लेस बना हुआ होता है उसका फ्रेम, उसको कहते हैं ग्रेट। एंड फेंट का मतलब वेरी वीक। तो उसके रूम में जो ग्रेट है उसमें कोई फायर नहीं है और भूख की वजह से वो बहुत वीक हो गया है। I will wait with you one night longer, said the swallow. तो swallow कहता है, okay, मैं तुम्हारे साथ एक रात रुकने का इंतजार और करूंगा। Who really had a good heart? तो swallow का जो heart था वो बहुत अच्छा था, यानी full of compassion था। He asked if he should take another ruby to the young playwright. Playwright a person who writes play for the theater, TV, radio. यानी play लिखने वाला person जो theater या TV वगैरह के लिए लिखता है उसको playwright कहते हैं। तो जो स्वेलो कहता है कि क्या मैं आप दूसरा रूबी ले जाऊं उस यंग प्लेराइट के लिए? अलास, आई हैव नो रूबी नाउ, सेड द प्रिंस। तो प्रिंस दुखी होकर कहता है, मेरे पास अब कोई रूबी नहीं है। माय आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, बस मेरी आईज ही हैं जो मेरे पास बची हुई हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर सफायर्स व्हिच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago. तो प्रिंस बताता है कि जो मेरी आईज है रेयर सफायर की बनी हुई है जो हजारों साल पहले इंडिया से लाया गया था। He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. Pluck means to remove something. तो वो swallow को ऑर्डर देता है कि उनमें से एक आई को यानी एक सफायर को निकाल ले और इसे playwright के पास ले जाए। He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. तो प्रिंस कहता है कि वो जो यंग मैन है वो इस ज्वेलर को, इसको सफायर को जो है बेच सकता है और फायरवुड खरीद लेगा। फायरवुड यानी वुड यूज एज फ्यूल फॉर ए फायर एंड फिनिश हिज प्ले। तो वो इसके जो इसको ज्वेलर को बेच के जो उसको मनी मिलेगी, जो पैसा मिलेगा उसको वो फायरवुड खरीद लेगा और अपने प्ले को फिनिश कर लेगा। डियर प्रिंस, सेड द स्वेलो, आई कैन नॉट डू दैट एंड ही बिगिन टू वी। तो स्वेलो कहता है, डियर प्रिंस, मैं ये नहीं कर सकता, और वो ये कहकर रोने लगता है। यानी क्योंकि प्रिंस के पास केवल दो आईज ही बची थी और उन आईज में से एक आईज को निकालने का ऑर्डर दिया प्रिंस ने, तो स्वेलो जिसका हार्ट जो है
फुल ऑफ कंपैशन था उसको ये सुनकर बुरा लगा कि प्रिंस की मुझे एक आई निकालनी पड़ेगी, तो उसको उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, और वो सुनकर ये रोने लगा। तो आई होप आपको ये आधा हाफ पार्ट समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम इसका सेकंड पार्ट जो है कवर